शायद अपोलो फाइट सन 1972 में ही खत्म हो गया हो, किंतु नासा चांद को हमेशा से ही अहमियत देता आया है। तो आइए जानते हैं आज 50 सालों के बाद ही क्यों नासा चांद पर दोबारा जाना चाहता है। हमारे साथ बने रहिए एवं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon. दोस्तों, इस बार हमारे लिए चांद पर जाना काफी अलग एवं खास है, चाहे वह तकनीकी रूप से हो या फिर मानसिक। 1972 की टेक्नोलॉजी आज के हमारे टेक्नोलॉजी के सामने कहीं नहीं टिकती। उस समय हमारे पास सीमित संसाधन थी, फिर भी हमने इस नामुमकिन से दिखते लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और जहाँ तक रही मानसिकता की बात, तो उस समय नासा एवं रशियन स्पेस एजेंसी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे और आज यह एक दूसरे से मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए 2024 में चांद पर जाना हम मानव के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार एक महिला एस्ट्रोनॉट भी चांद पर जा रही है। दरअसल इस बार नासा चांद पर इंसानों को भेजने से पहले एक रोवर भेजना चाहता है, लेकिन मजे की बात तो यह है कि यह रोवर नासा नहीं बनाने वाला, बल्कि इसे प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी, जिसे 2020 तक चांद पर भेजा जाएगा। 2024 में हम कई प्राइवेट कंपनियों के गठजोड़ से ही चांद पर जाने वाले हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रेडेंस का यह कहना है, हमारे लिए चांद पर जाना काफी अहमियत रखता है एवं हमें जल्द से जल्दी वहां जाना चाहिए। अर्थमित मिशन नासा एवं रशिया साथ मिलकर कर रही है, जिसमें अमेरिका रशियन सोयज रॉकेट प्रोग्राम पर निर्भर करती है। इस बार हम केवल चांद पर चलने या फिर झंडा गाड़ने नहीं जाने वाले। नासा चांद पर अपना एक स्टेशन बनाने जा रही है। यही वजह है नासा नए रॉकेट्स बना रही है। अभी दो रॉकेट्स एरिस 1 और एरिस 5 के ऊपर सोच चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इन रॉकेट्स की क्षमता अपोलो युग के सैटर्न 5 से कई गुना अधिक होगी एवं यह उससे ज्यादा पेलोड्स ले जाने में सक्षम होगी। नासा लगभग $35 बिलियन ओरायन कैप्सूल और एरिस 1 को बनाने में खर्च कर रही है। नासा अपने इस कदम से प्राइवेट स्पेस कंपनीज को मजबूत बनाना चाहती है, जिससे आने वाले समय में यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में नासा की सहायता कर सके। एक तौर से देखा जाए तो नासा के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का काफी दबाव है, लेकिन नासा जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहती। आइए इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात कर ले। नासा ने 2024 प्रोजेक्ट को अर्थमिस नाम दिया है। ग्रीक में इसका मतलब है शिकार के देवता। अर्थमिस के बारे में हमें कुछ बातें जान लेनी होगी। अर्थमिस 1 मिशन के तहत 2020 में नासा चांद पर एक रोवर भेजने जा रही है और ठीक उसके 2 सालों के बाद साल 2022 में अर्थमिस 2 मिशन के तहत नासा मानवों को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करेगी, जो बाद में साल 2024 में मानवों को दोबारा चांद पर उतारेगी। यह दोनों लॉन्च अब तक के सबसे विशाल एवं ताकतवर रॉकेट से लॉन्च किए जाने वाले हैं, जिसे बोइंग अभी डेवलप कर रही है। इसका नाम स्पेस लॉन्च सिस्टम रखा गया है, किंतु इस प्रोजेक्ट को कई बार डिले किया गया और इस कार्यक्रम की कई बार आलोचना भी हो चुकी है। लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है जो F-16 का निर्माण करती है। ये नासा के लिए ओरायन कैप्सूल बना रही है। ओरायन कैप्सूल को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि नासा चांद पर लो ऑर्बिटिंग स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है, जिसे 2020 से 2021 के बीच बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें ब्लू ओरिजिन्स, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन एक अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि लो ऑर्बिटिंग स्टेशन एक अनमैन्ड, यानी इस पर इंसान हमेशा नहीं रहेंगे। जब नासा के एस्ट्रोनॉट्स चांद के सतह पर जाएंगे, तो वह चांद के सतह पर मानव बस्तियां बसाने के लिए अनेकों परीक्षण करेंगे। एस्ट्रोनॉट्स की वापसी ओरायन कैप्सूल से ही होगी, जो उस समय लो ऑर्बिटिंग स्टेशन पर मौजूद होगी, जो उस समय चांद का चक्कर काट रही होगी। इसके मदद से ही यात्री पृथ्वी पर वापस आएंगे। इस बार हमें चांद पर नासा नहीं ले जा रही, बल्कि विश्व के सभी देशों का इसमें साझा योगदान है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो की इसमें क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं, इसरो कुछ दिनों के बाद ही चंद्रयान 2 लॉन्च करने वाला है, जो चांद के सतह पर एक व्यापक स्थान की खोज करेगा, जिस पर मानव बस्तियां बसाई जा सकेंगी। यही वजह है कि चंद्रयान 2 को चांद के साउथ पोल के मेजनस सी क्रेटर के नजदीक उतारा जा रहा है। इसी के साथ भारत पहला देश बन जाएगा जो इस रीजन में उतरा हो। मेजनस सी इसलिए भी खास है क्योंकि हम इसके माध्यम से ही डार्क साइड ऑफ द मून के बारे में अधिक जानकारियां जुटा पाएंगे। लेकिन 1972 में चांद का सफर काफी विवादित रहा एवं कई लोगों ने इस पर कई प्रश्न खड़े किए। हम विश्व भर में कई कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में जानते हैं, जिसमें हमें यह बताया जाता है कि मानव चांद पर कभी गया ही नहीं। चांद की यात्रा एक छलावा थी, जिसे नासा के स्टूडियो में फिल्माया गया था। तो हम कभी यह सुनते हैं कि नासा दोबारा चांद पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वह एलियंस के संपर्क में था एवं उन्होंने हम मनुष्यों को चांद से दूर रहने को कहा है। हम नहीं जानते यह कंस्पिरेसी थ्योरी सही है या नहीं, लेकिन कुछ तो खास वजह रही होगी जिस वजह से 50 वर्षों तक कोई चांद पर नहीं गया। लेकिन इस बार की यात्रा काफी कुछ साबित करने वाली है।
अगर हम 2024 में चांद पर दोबारा जाने में कामयाब होते हैं तो नासा के एक अनुमान के मुताबिक हम 2028 तक चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने, नई वैज्ञानिक खोज को उजागर करने, नई तकनीकी प्रगति करने और चंद्रमा पर अर्थव्यवस्था का निर्माण करने में निजी कंपनियों की नींव रखने में सक्षम होंगे। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि अर्थमिस 2 के बाद हम क्या करेंगे, हम चांद पर चले गए, हमने बस्तियां बसा ली, अब आगे क्या? तो मैं बता दूं, इस बार चांद इसलिए भी अहम है क्योंकि नासा का लक्ष्य 2030 तक मानवों को मंगल पर पहुंचाना है और इसमें अत्यधिक संसाधनों का उपयोग होगा। नासा इन सभी सामग्रियों को एक ही बार में नहीं ले जा सकती, इसलिए वह चांद के ऑर्बिट में एक लो ऑर्बिटिंग स्टेशन जिसे गेटवे कहा जा रहा है वह स्थापित करना चाहती है, जिसे मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए जब एस्ट्रोनॉट जाएं तो वह रास्ते में ही इस गेटवे में रुककर और भी संसाधनों को अपने साथ ले जाएं। इस गेटवे पर आने वाले दिनों में लगभग 37 पेलोड्स भेजे जाने वाले हैं जिनमें कई उपकरण शामिल होंगे। इस गेटवे का निर्माण ब्लू ओरिजिन कंपनी कर रही है। इन बड़े बड़े फैसलों से एक बात तो साफ है कि हम पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहने वाले, हम एक एक्सोप्लैनेटरी स्पीसीज बनने के रूप में कमर कस चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो बीट ऑफ साइंस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को इसमें टैग जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।